लोक सुराज अभियान 2017 आज जिस दिशा को लेकर लक्ष्य समाधान शुरू कर रहे हैं और यह अभियान 3 अप्रैल से आज से शुरू होकर 20 मई तक चलेगा। आज मैं सबसे पहले धमतरी जिले में एक स्थान में उतरूंगा, फिर बस्तर जिले के तितिर गांव समाधान शिविर में उपस्थित रहूंगा, वहां फिर दोरनापाल में काली मेला पुल का लोकार्पण वहां पे होगा, शाम को सुकमा की समीक्षा बैठक और उसके पहले एक गांव में जाने का कार्यक्रम। कुल मिला के लोक स्वराज अभियान में 2771 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 1361 ग्रामीण क्षेत्र में और 910 शहरी क्षेत्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 28,33,000 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 8,197 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है। पूरे प्रदेश में 1,200 औसतन एक शिविर में 2,200 आवेदन का निराकरण होगा। आज जो निराकरण हो सकता है आज निराकरण, भविष्य में जो हो सकता है उसका स्टेट बजट में जोड़ने वाला कोई होगा स्टेट बजट, और कुछ ऐसी केंद्र सरकार स्तर की होगी उसको केंद्र सरकार से प्रेषित करके समय सीमा पर उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। करीब करीब 27 अलग अलग स्थानों में मुझे बैठक लेना है, 20 स्थानों में समीक्षा बैठक, 27 समाधान शिविर में और करीब 20 स्थानों में, यदि रायपुर को छोड़ दें आसपास के क्षेत्रों तो वहाँ पे रात्रि विश्राम करूँगा। वहाँ जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में कामों की समीक्षा उस जिले की होगी और जो हमने उनको टारगेट दिया था उस टारगेट के अनुसार उस जिले का अचीवमेंट जो आज से 6 महीने पहले उन्हें हमने दिया था उसका भी एक समीक्षा होगी। 3 अप्रैल से 20 मई तक मेरे सभी मंत्रीगण, मेरे सभी विधायक, मेरे सांसद और सभी जिला पंचायत के और सभी जनप्रतिनिधि इन शिविरों में जाएंगे जो 1,800 स्थानों में होगा। वहाँ को 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, लोकल समस्याओं का भी निराकरण होगा और जो बातें आएंगी उसमें भी सुधार होगा। कुल मिला के एक बार पूरे प्रदेश का, चाहे राजस्व के मामला हो, शिक्षा के मामला हो, बिजली का मामला हो, पेयजल की समस्या का निराकरण हो, ऐसे मामलों को भी त्वरित वही निदान कैसे हो सकता है इसकी रूपरेखा वहीं तय हो जाएगी। और मेरे पास जो समय है उस समय के रहते करीब करीब 18 महीने में हम उस एक एक बिंदु को चिन्हांकित करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें।